नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS Study Point पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास BSc सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम बॉटनी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार का एग्ज़ाम OMR पाठ्यक्रम पर होना है, यानी कि जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास में दोस्तों हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ये क्लास पूरी तरह से NEP के अंतर्गत है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपको समझने में भी आसानी होगी और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, तो दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी का जो NEP के अंतर्गत पेपर टाइटल है वो है आर्किगोनेटस एंड प्लांट आर्किटेक्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं स्त्री धानीधर पादप एवं पादप संरचना। ये आपका कोर्स टाइटल है और आपके एग्ज़ाम में कुछ विश्वविद्यालय में 75 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ मोड में, ठीक है। लेकिन टोटल पूर्णांक आपका 75 मार्क्स का ही होगा। जिनका 75 पूछा जाएगा उनको 75 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और जिनका 100 क्वेश्चन होगा 100 में से आपको 75 प्रश्न के आंसर देने होंगे। कुछ विश्वविद्यालय हैं जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रकार के। ओके, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आंसर भी करने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें दिया गया है एंजियोस्पर्म युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विच एरा इज नोन एज एज ऑफ एंजियोस्पर्म। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पैलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें एंजियोस्पर्म युग के किस नाम से जाना जाता है, तो ये सीनोजोइक युग से जाना जाता है। सीनोजोइक युग के नाम से एंजियोस्पर्म को हम जानते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बीज बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कि बीज बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। चीफ करेक्टर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सीड हैबिट डेवलपमेंट इज। पहला दिया गया है होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि बीज बनने में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो हेट्रोस्पोरी की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपका है कि एपोस्पोरी सर्वप्रथम देखा गया था। एपोस्पोरी वाज द फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाई। आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है ड्यूरी द्वारा, दूसरा है फार्लो द्वारा, डी बॉडी द्वारा या फिर लैग द्वारा। तो इनमें आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, एपोस्पोरी जो सर्वप्रथम देखा गया था वो ड्यूबोरी द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था, ड्यूरी द्वारा देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है कि गार्डलिंग लीफ ट्रेस तने का विशेष लक्षण क्या है। गार्डलिंग लीफ ट्रेस आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टीम ऑफ। पहला दिया गया है नीटम या फिर एपेड्रा, साइकस या फिर पाइनस। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा साइकस। ध्यान रखिएगा कि जब भी आए इस तरह के क्वेश्चन की गार्डलिंग लीफ ट्रेस तने के विशेष जो लक्षण हैं वो क्या हैं, वो साइकस हैं, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। ताकि मैं अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, जैसे आवाज़ क्लियर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे तो मुझे वो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कैप्सुला के युग्मनज का प्रथम विभाजन होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इन कैप्सुला इज। ऑप्शन आपके दिए गए हैं क्षैतिज, लंबवत, कर्णरेखीय,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षैतिज। कैप्स ला के युग्मज का जो प्रथम विभाजन होता है वो हॉरिजेंटल टू लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी कि क्षैतिज होता है। ठीक है, इस प्रकार से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटे परिवर्तित रूप से होते हैं, टर्न इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तना, पत्ती या फिर सिपुल या जड़ यानी रूट। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना। कांटे परिवर्तित रूप से क्या होते हैं, यानी कि टर्न इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। ओके, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, स्टीम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने की शाखाओं की उत्पत्ति होती है, ब्रांच ऑफ स्टीम आर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्सोजीनस इन ओरिजिन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंडोजीनस इन ओरिजिन, और दिया गया है बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि तने की जो शाखाओं की उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, वो होती है एक्सोजेनस इन ओरिजिन, यानी कि एक्सोजेनस इन ओरिजिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है कि आम में खाने वाला भाग कौन सा होता है, द ईटेबल पार्ट ऑफ मैंगो इज इंडिकॉर्प। पहला ऑप्शन दिया गया है ईपीकार्प, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मीसोकार्प, इंडोकार्प या फिर थैलेमस। तो आपको ध्यान रखना है कि आम का जो खाने वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, मीसोकार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मीसोकार्प कहा जाता है आम का खाने वाला भाग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर आठ का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ आपका है कि पैसेज कोशिका में पाई जाती है, पैसेज सेल आर फाउंड इन, इंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि पेरिसाइकिल में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि पैसेज कोशिका जो पाई जाती है वो पाई जाती है इंडोडर्मिस में, कहाँ पर पाई जाती है, इंडोडर्मिस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि क्विसेंट सेंटर पाया जाता है, क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डाइकॉट स्टीम में या फिर लीफ में या रूट ट्रिप में या स्टीम एंड लीफ बोथ, यानी कि दोनों में। तो क्विसेंट जो सेंटर पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है जड़ के शीर्ष भाग में, रूट टिप पे पाया जाता है। किस पे, रूट टिप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, जड़ के शीर्ष भाग में क्विसेंट सेंटर पाया जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, पोलिनेशन बाई बाइट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं चेरोप्टोफिली, इंटोमोफिली या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि अनिर्थोफिली, और डी ऑप्शन दिया गया है मेलिकोफिली। ठीक है, तो चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाता है उसको क्या कहते हैं, उसको चेरोप्टोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेरोप्टोफिली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें है कि पौधों के घाव भरे जाते हैं, हीलिंग ऑफ वुंड्स इज इन प्लांट टेक्स प्लेस बाई द एक्टिविटी ऑफ, यानी पौधों में जो घाव भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं, सिर्फ मेरिस्टेम से, द्वितीयक मेरिस्टेम से या इंटरकैली मेरिस्टेम से, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है कि नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि पौधों में जो घाव भरे जाते हैं वो द्वितीयक मेरिस्टेम से भरे जाते हैं, किससे, सेकेंडरी मेरिस्टेम से भरे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है आर्किगोनेटस पादप है, आर्किगोनेटस प्लांट आर, इनको कहते हैं, ऑप्शन आपके दिए गए हैं जिम्नोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या ऑल ऑफ अबव। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आर्किगोनेटस पादप होते हैं वो ये सभी होते हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि अनावृत बीजी होते हैं, टेरिडोफाइटस भी होते हैं, ब्रायोफाइटस भी होते हैं।
तो कौन सा उत्तर आप टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक, बहुत ही आसान सा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज। ठीक है, यहाँ पर है कि भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा या ब्रायोलॉजी इज। ठीक है, पहले ऑप्शन आपके कौन से दिए गए हैं? डी डी पंत। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है के सी मेहता। ऑप्शन सी कह रहा है कि आर एस कश्यप, और डी वाला है पी एन मेहरा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आर एस कश्यप जो हैं वो द फादर ऑफ फादर हैं, यानी कि भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक जो जनक हैं उनको उनका जो नाम है वो है एस आर कश्यप। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, आर एस कश्यप इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? सही वाक्य बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करंट फॉर ब्रायोफाइटा। ओके, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि इनमें वाहिनिका योम वाहिका का अभाव होता है, जो ब्रायोफाइटा होते हैं क्या इनमें वाहिनिका योम वाहिका का अभाव होता है, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें वाहिनिका योम वाहिका का अभाव होता है। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, दे आर फोटोसिंथेसिस, तो यह भी ऑप्शन आपका सही है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी वाला है कि इनमें युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुभेद का निर्माण करते हैं, यानी कि देयर इज द जायगोट अंडरगोस मियोसिस एंड देन प्रोड्यूस द स्पेरोफाइटा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इनमें युग्मनज जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुभेद का निर्माण नहीं करते हैं, यही ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। और डी वाला देख लेते हैं, इनमें बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मभेद का निर्माण करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ए बी और डी वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या ढूंढना था? गलत आपको बताना था, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें है कि मारकेसिया में नर जननांग उत्पन्न होते हैं, इन मारकेसिया मेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन एंथ्रीडियोफोर या फिर आर्चिगोनोफियोर या फिर राइजोफोर। ऑप्शन डी कह रहा है कि सुकायफर। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? एंथ्रीडियोफोर पर, मार्केशिया में नर जननांग जो उत्पन्न होते हैं वो एंथ्रीडियोफोर पर उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीट या बाघ मांस कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा इज कॉमनली नोन एज पीट ऑफ बॉग मांस। इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा पीट या बास, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पीट या बॉग मांस कहा जाता है, ब्रायोफाइटा का नाम दिया गया है और किस ब्रायोफाइटा को पीट या बॉग मांस के नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है पोगोनेटम, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पालीटाइक्रम, सी है पोरेला और डी दिया गया है आपके सैखेगनम। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा सैफेगनम। ठीक है, सैफेगनम को पीट या बॉस मांस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, रिस्किया में मूलांग होते हैं, इन रिस्किया राइजोट्स आर, क्या पूछा गया है? इन रिस्किया राइजोट्स आर, यानी रिस्किया में मूलांग क्या होते हैं? बहुकोशीय चिकनी भित्ति युक्त या फिर गुलिकाए होते हैं, या ऑप्शन बी कह रहा है कि बहुकोशीय एवं गुलिकाए होते हैं, सी कह रहा है कि कोशिकीय चिकनी भित्ति युक्त एवं गुलिकाए होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है एक कोशीय योम चिकनी भित्ति युक्त होते हैं। तो इनमें से सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा,
कि जो रिस्किया में मूलांग होते हैं वो एक कोशिकीय चिकनी भित्ति युक्त यौन गुलिकाएं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ओके चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा हेप्टिकोपिसडा वर्ग में नहीं आता है। इन विच ब्रायोफाइटा एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हेप्टिकोपिसडा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, मार्केशिया, रिस्किया, एंथोसीरोस या उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथ्रोसीरोस आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि रिस्किया की जलीय प्रकृति है, रिस्किया की जलीय प्रकृति क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रिस्किया फ्लू इंटेंस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि रिस्किया रूबुस्टा, ऑप्शन सी है रिस्किया सेलिएटा और डी ऑप्शन कह रहा है कि रिस्किया फ्रोस्टाई। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्किया फ्लू इंटेंस। रिस्किया की जो जलीय प्रकृति होती है वो क्या होती है, वो होती है रिस्किया फ्लू इंटेंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्वेश्चन नंबर 21 है, किस ब्रायोफाइटा के सुकाय में हरित लवक में पायरेनाइट्स पाए जाते हैं। इन विच ब्रायोफाइटा द सेल ऑफ थैलस हैव क्लोरोप्लास्ट विथ पायरेनाइट्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका पेलिया, फ्यूनेरिया, एंथ्रोसीरोस या फिर रिस्किया। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोसीरोस। ठीक है, एंथ्रोसीरोस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रोसीरोस ब्रायोफाइटा के सूचकांक में हरित लवक में पायरेनाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा गया है कि पादप जगत में उभयचर हैं, पादप जगत में उभयचर हैं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप सबको पता भी होगा कि पादप ब्रायोफाइटा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, पादप जगत में उभयचर माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, पादप जगत में ब्रायोफाइटा को पादप जगत में उभयचर माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किस पौधे को कहा जाता है। वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स आर नोन एज नोन टू फॉलोइंग प्लांट, ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, टेरिडोफाइटस को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, यानी कि क्वेश्चन था माफ कीजिएगा केस्कुलर वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किस पौधे को कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटस को वैस्कुलर क्रिप्टोगाम्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि राइनिया खोजा गया था, राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाई, राइनिया को किसके द्वारा खोजा गया था। पहले ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें दिया गया है कैंप बेल द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है मेंडल द्वारा, सी है क्रिक योम वाटसन द्वारा और डी दिया गया है किडिसन योम लेग द्वारा। तो आपको बता दें राइनिया की जो खोज की गई थी वो की गई थी किडिस्टन योम लेक के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, राइनिया की खोज किडिसन योम लेग ने की थी। अगला प्रश्न है बिना केंद्रीय मज्जा के रंभ कहलाता है, हिंदी में रंभ को कहते हैं, स्टील को हिंदी में रंभ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि स्टील विदाउट ए सेंट्रल पिट इज कॉल्ड, यानी बिना केंद्रीय मज्जा के रंभ क्या कहलाता है, जल रंभ कहलाता है, नाल रंभ कहलाता है, ठोस रंभ कहलाता है या बहुत चक्रीय रंभ कहलाता है। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस रंभ, प्रोटो स्टील कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटो स्टील। ओके, स्टील विदाउट ए सेंट्रल पिट इज कॉल्ड प्रोटो स्टील, ऑप्शन नंबर सी ठोस रंभ कहलाता है, ऑप्शन सी यहां पर आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
जिसमें पूछा गया है कि पत्ती जिस पर बीजाणुधानी उपस्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है। स्पेरोगिया वेयरिंग लीफ इज कॉल्ड एज बीजाणुपर्ण, पतले सल्क कहा जाता है, या फिर इंडूसिलियम कहा जाता है, या सोरस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा उसको हो जाएगा बीजाणुपर्ण। क्या कहा जाता है इसको? बीजाणुपर्ण कहा जाता है, यानी कि पत्ती जिस बीजाणुधानी में उपस्थित होती है उसको हम बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणु टेरिडोफाइटस है। विच एमंग द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइटस। ओके, ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपके? पहला ऑप्शन कह रहा है कि लाइकोपोडियम, सेलिजिनेला, या फिर इक्विसेटम, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिजिनेला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणु टेरिडोफाइटस है? तो सेलिजिला, जो सेलिजिनेला है, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, यही टेरिडोफाइटस है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि वैलिक्यूलर तथा कैरिनल कैनाल किसके तने में मिलता है। ऑप्शन दिया गया है कि सेलिजिनेला, पाइनस, या यूबिसिटम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूबिसिटम। ठीक है, करेक्ट उत्तर क्या है? यूबिसिटम हो जाएगा, यानी कि वैलिक्यूलर तथा कैरिनल कैनाल किसके तने में मिलता है, तो वो यूबिसिटम के तने में मिलता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है 29 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि राइजोफोर पाया जाता है। राइजोफोर्स आर फॉर्मेड इन सेलिजिनेला, ब्रायोफाइटा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है टेरिस, या फिर साइकस। तो राइजोफोर जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है सेलिजिनेला में। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? सेलिजिनेला में पाया जाता है। आपके जो करेक्ट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःपादपी नील हरित शैवाल किसकी पत्ती में मिलते हैं। इंडोफाइटिक ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन लीफ ऑफ। पहला ऑप्शन है साल्विलिया, ऑप्शन बी दिया गया है अजोला, ऑप्शन सी दिया गया है मार्सिला, और डी ऑप्शन कह रहा है कि साइकस। तो आपको बता दें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजोला। ठीक है, अंतःपादपी नील हरित जो शैवाल पाए जाते हैं वो अजोला की पत्ती में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, सभी लोग से मेरा निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिए, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि टेरिडोफाइटस के स्पोर होते हैं। क्वेश्चन क्या है? टेरिडोफाइटस के स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइटा आर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हैप्लाइड्स, बी दिया गया है डिप्लाइड्स, ट्रिप्लाइड, या टेट्राप्लाइड। ठीक है, तो टेरिडोफाइटस के जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हैप्लाइड्स। क्या होते हैं? हैप्लाइड्स होते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। टेरिडोफाइटस के जो स्पोर होते हैं वो हैप्लाइड कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किन पौधों में सत यानी वास्तविक बीज नहीं बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट फॉर्म ट्रू सीड। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इनमें से टेरिडोफाइटा में क्या होता है? बीज नहीं बनते हैं। यहाँ पर सत्य यानी सत्य प्रकार से सत्यता के आधार पर बीज नहीं बनते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा क्या गया था? किन पौधों में सत्य बीज नहीं बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट फॉर्म द ट्रू सीड। तो यहाँ पर हो जाएगा टेरिडोफाइटस। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें है कि रंब सिद्धांत किसने
प्रतिपादित किया था? स्टेलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, स्टेलर थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था? आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन है कि जिमरमैन, ऑप्शन नंबर बी है वाट घिनेम योम ड्यूलिट द्वारा, या ऑप्शन सी है बावर, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ईसायुद के द्वारा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, यानी कि वान टिघेम योम ड्यूलिट के द्वारा रंभीय सिद्धांत यानी स्टेलर थ्योरी प्रपोज्ड की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संजीवनी पौधा कहलाता है? संजीवनी पौधा इनमें से कौन सा कहलाता है? विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रियोरिस्टेशन प्लांट। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर टेरिस क्विडिफोलिया क्वाडिफोलिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सेलेजिनेला लिपोडोफोलिया, ऑप्शन नंबर सी है एडिएंटम कोडेटम, ऑप्शन नंबर डी दिया गया एजोला पेट्रेट्रा, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलेजिनेला लिपोडोफोलिया, आपका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी को संजीवनी पौधा कहा जाता है, किसको? सेलेजिनेला लिपोडोफिला को संजीवनी पौधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि बीज फर्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीड फर्न। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बीज फर्न के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन का खोज करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये जीवाश्म रूप में मिलते हैं, ठीक है, ये जीवाश्म रूप में मिलते हैं, तो ये बात सत्य है कि जो बीज फर्न होते हैं वो जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति पोलियोजोइक महाकल्प के डिवोनियन में नियन काल में हुई थी, तो ये भी सत्य है, इसकी जो खोज हुई थी वो पोलियोजोइक महाकाल के डोयूनियम काल में हुई थी। तीसरा ऑप्शन है ये मुख्यतः मीसोजोइक महाकल्प के कार्बोनी फेरस काल में पाए जाते थे, तो ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि ये टेरिडोफाइटस हैं, तो यही असत्य है, ये टेरिडोफाइटस नहीं आते हैं, ये बायरोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका असत्य कथन है, बाकी ये तीनों कथन सत्य है। कभी कभी पूछ लेता है जैसे कि बीज फर्न के संबंध में कथन सत्य पूछा गया था, या आपसे पूछ ले कि बीज फर्न जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये किस रूप में मिलते हैं, तो आप बताएंगे कि बीज फर्न जो है वो पाए जाते हैं जीवाश्म के रूप में, ठीक है। और पूछा जाए कि बीज फर्न की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो आप बताएंगे कि पेलियोजोइक महाकल्प के डोवोनियन काल में इसकी जो है उत्पत्ति हुई थी। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, चले आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है चिलगोजा निकाला जाता है, चिलगोजा इज ऑब्टेंड फ्रॉम, चिलगोजा किससे निकाला जाता है? साइकस रिवोल्यूटा के महाबीजाणुओं से, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पाइनस जेरिंडियाना के बीज से, या फिर सी ऑप्शन है साइकस सरसी नेलिस के तने से, या फिर पाइनस रोक्सो बार्जियाई की जड़ों से, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है, पाइनस जेरिंडियाना के बीज से चिलगोजा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका करेक्ट उत्तर है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से इमरती लकड़ी का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीप सोर्स ऑफ टिम्बर, पाइनस, ऑप्शन आपका दिया गया पाइनस, या फिर एबीच, या फिर सीडरस साइकस। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइकस, ठीक है। इनमें से इमरती लकड़ी का जो मुख्य स्रोत नहीं है वो है साइकस, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, इंडोस्पर्म इज जिम्नोस्पर्म इज, इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इन, अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, या त्रिगुणित होते हैं, या फिर चतुर्गुणित होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, वो अगुणित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सैगोफॉर्म कहलाता है, एमंगस्ट द फॉलोइंग विच इज सैगोफ्लैम। ओके, ऑप्शन आपका दिया गया है ए साइकस सर्सिनिलिस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि साइकस रुओलुटा, ऑप्शन सी दिया गया है कि साइकस रम्फी, और डी दिया गया है साइकस पेंटीनेटा। तो ध्यान रखेंगे इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होगा, साइकस रिगोलुटा जो है उसको हम सागो पाम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, साइकस और रेबोलुटा को सागो पाम कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया है कि एपिडर्टा क्या है, उभयलिंगी है, एकलिंगी है, या फिर प्रायः उभयलिंगी कभी एकलिंगी, या प्रायः एकलिंगी कभी कभी उभयलिंगी। तो ये थोड़ा सा संदिग्ध प्रश्न है, तो इसमें से आप ध्यान रखेंगे कि जो एपिडर्टा है ये हमेशा एकलिंगी होता है। क्या होता है, ये हमेशा एकलिंगी होता है, ठीक है, ना ही यह उभयलिंगी होगा और ना ही ये उभयलिंगी या एकलिंगी, एकलिंगी ये हमेशा होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें है जाइलम में वाहिनिकाएं अनुपस्थित होती हैं, विसल्स आर अब्सेंट इन जाइलम ऑफ, आम में, मटर में, चीड़ में, आलू में। तो जाइलम में जो वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं वो हमेशा चीड़ में अनुपस्थित होती हैं, पीनस में हमेशा क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं जाइलम की वाहिनिकाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया है कि अनावृतीय बीजों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये स्वभाव में सुखोविद होते हैं, दूसरा ऑप्शन है मुख्य पौधे युग्मनभिद होते हैं, सी ऑप्शन है इनमें केवल खड़ा तना होता है, और डी कह रहा है कि ये एपोविद होते हैं, दी आर द साइटोगेम्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो अनावृत बीजियों जो होते हैं, अनावृत बीजी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये स्वभाव में शुष्क विद होते हैं। क्या होते हैं, स्वभाव में शुष्क विद होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर तैंतालीस है कि साइकस पत्ती के राइकिस के आधार पर संवाहन पुल होते हैं, एट द बेस ऑफ राइकस ऑफ साइकस लीफ द वस्कुलर बंडल आर, वाय आदि दारुक, या फिर मध्यदिका दारुक, या अंता आदि दारुक, या डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी, अंता आदि दारुक होते हैं, साइकस पत्ती के रैकस के आधार पर जो संवाहन पुल होते हैं वो अंता आदि दारुक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें है साइकस में लघु बीजाणुधानी में नर्म युग्मकोविद गिरता है, इन साइकस मेल गेमेटोफाइट्स फेल्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ, ऑप्शन ए दिया गया है कि दो कोशिकीय होते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये दो कोशिकीय अवस्था पर, दूसरा है तीन कोशीय अवस्था पर, चार कोशीय अवस्था पर, या फिर पाँच कोशीय अवस्था पर। तो साइकस में जो लघु बीजाणुधानी से नर्म युग्मकोविद गिरता है वो किससे गिरता है, तो वो हमेशा तीन कोशीय अवस्था पर गिरता है। किस पर, तीन कोशीय अवस्था पर गिरता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45
जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, विच इज नोन एज लिविंग पॉइस। पहला ऑप्शन दिया गया है जैमिया को, जैमिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, या फिर एबीज को कहा जाता है, सी दिया गया है जिंगो का, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इफेट्रा का। तो आपको बता दें कि जो जिंगो होता है इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं, जिंगो का क्या कहते हैं इसको हम जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप में चल अस्पर्म पाए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेस इन मोटिल स्पर्म। ऑप्शन ए दिया गया साइकस, या फिर जिंगो, फर्न, या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ये सभी एक प्रकार के क्या हैं, एक प्रकार के क्या हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेस द मोटिल स्पर्म, यानी कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो होते चल अस्पर्म पाए जाते हैं। तो साइकस, जिंगो, फर्न, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के चल अस्पर्म पाए जाते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा वास्तविक जीवाश्म नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉसिल। ओके, ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर छाप यानी इम्प्रेशन, संघनन, ऑप्शन सी दिया गया है एम्बर, और डी दिया गया छद जीवाश्म। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छद जीवाश्म आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सीडोफाइल्स, सीडोफाइल्स जो है उसको हम सच्चा जीवाश्म नहीं मानते हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, सबसे गहरा बीजांश उपस्थित होता है, पूछा गया है कि डीपेस्ट वोक्यूल इज प्रेजेंट इन साइकस, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है इफेट्रा में, पाइनस में, या फिर जैमिया में। तो सबसे गहरा जो बीजांश उपस्थित होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है साइकस में। कहाँ पर उपस्थित होता है, वो साइकस में उपस्थित होता है। सबसे गहरा बीजांश जो है वो साइकस में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि विरल दारुक कास्ट उपस्थित होती है, जिसे कहते हैं मोनो ऑक्सैलिक वुड इज प्रेजेंट इन, मोनो ऑक्सैलिक वुड इज प्रेजेंट इन पाइनस, या फिर लैरिक्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि थूजा में, या फिर साइकस में। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप सब कमेंट करके बताइए भाई इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइकस। क्या हो जाएगा, साइकस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विरल दारुक कास्ट उपस्थित होता है साइकस में, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, जिसमें पूछा गया है कि दिक् निषेचन प्रदर्शित किया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिट बाई। पहला ऑप्शन दिया गया अनावृत बीजियों द्वारा, ब्रायोफाइटा द्वारा, या फिर शैवाल द्वारा, या आवृत बीजियों द्वारा यानी एंजियोस्पर्म द्वारा। तो दिक् निषेचन जो प्रदर्शित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो हमेशा आवृत बीजियों द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, आवृत बीजी द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि तैरती जड़ें पाई जाती हैं, जो तैरती जड़ें हैं वो पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं। पहला दिया गया है कि यहाँ पर फ्लोटिंग रूट आर फाउंड इन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लोटिंग रूट आर फाउंड इन। पहला ऑप्शन है सिंगाड़े में, या फिर हाइड्रिला में, या फिर तलजूरिया में, पोडोस्टिमोन में। तो आपको क्या बताना है, तैरती जड़े, तो तैरती जो जड़े हैं वो पाई जाती हैं किसमें, तलजूरिया में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि कोमल रोवा किसका रूपांतरण है, कोमल रोवा किसका रूपांतरण है। पहला ऑप्शन है बाह्य दलपुंज का, सहपत्र का, या फिर बाह्य दलपुंज का, या पुच्छ
पुष्प छंद द्वारा। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 53 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दल पुंज का। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें है पौधों में जैव विकास का क्रम है। पौधों में जैव विकास का क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, शैवाल, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पौधों में जो जैव का सही क्रम है वो पहले है शैवाल, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और फिर एनजीओस्पर्म। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि केले की पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? व्हाट काइंड पैरेलल वेनिलेशन इज प्रेजेंट इन बनाना लीफ? पहला ऑप्शन है अग्रभाजित सिरा विन्यास, या फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बहुश्रीय अभिसरण, बहुश्रीय अपसारी या फिर एकश्रीय शिरा विन्यास। तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केले की पत्ती में एकश्रीय शिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ओके, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें दिया गया है कि स्पैडिक्स पुष्प क्रम पाया जाता है। स्पैडिक्स इनफ्लोरेसेंस इन इज फाउंड इन। ऑप्शन ए कह रहा है कि डीलोनिक्स में पाया जाता है, या फिर अरबी में, या आर्क में, या फिर तुलसी में। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरबी में पाया जाता है। स्पैडिक्स पुष्प क्रम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? अरबी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें है बीज का आच्छद किससे विकसित होता है? द टेगमेंट ऑफ सीड डेवलप्स फॉर्म। पहला दिया गया है परिभ्रूण पोष से, ऑप्शन बी है भीतरी अध्यावरण से, या फिर रज्जुक से, या बाहरी अध्यावरण से। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 57 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीतरी अध्यावरण से। भीतरी अध्यावरण से बीज का आच्छादन जो विकास होता है वो भीतरी अध्यावरण से होता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें है नारियल का फल है, कोकोनट फ्रूट इज ए अर्टिल फल, सारस फल कहते हैं, कास्ट फल कहते हैं, या फिर इसको बीज कोष कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नारियल का जो फल है उसको हम अस्थिल फल कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिल फल कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कोकोनट फ्रूट इज ए ड्रूप। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। आपका अगला प्रश्न है कि मूल रोम विकसित होते हैं, रूट हेयर एराइज फ्रॉम। समझिएगा इस क्वेश्चन को कि रूट हेयर्स एराइज फ्रॉम, यानी कि मूल रोम कहाँ पर विकसित होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि मूलीय त्वचा से, या फिर वल्कुट से, अंतः त्वचा से यानी इंडोडर्मिस से, या फिर परिभ्रम यानी कि पेरिसाइकल से। तो आपको ध्यान रखना है जो मूल रोम होते हैं वो कहाँ पर विकसित होते हैं? वो मूलीय त्वचा से विकसित होते हैं। कहाँ से होते हैं? मूलीय त्वचा से विकसित होते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसमें है लघु बीजाणु प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु प्रथम कोशिका होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नर बीजाणुविद की, मादा बीजाणुविद की, या फिर नर युग्मकोविद की, या फिर मादा युग्मकोविद की। तो लघु जो बीजाणु होते हैं वो प्रथम जो कोशिका होती है वो नर्म युग्मकोविद की होती है। किसकी होती है? नर्म युग्मकोविद होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी वाला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु बीजाणु प्रथम कोशिका जो होती है वो नर युग्मकोविद होती है। ओके, मेल गेमेटोफाइटे होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसमें है कि जब पराग नालिका
बीजन डांस में बीजन डांस द्वारा प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि व्हेन पोलियन ट्यूब इंटर द वोक्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि निभागी युग्म, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मध्य प्रवेश, या फिर द्वारतर प्रवेश, या फिर अंडडानी प्रवेश। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडडानी प्रवेश आपका इसमें से सही उत्तर होगा। जब पराग नालिका बीजंडांश में बीजंडांश द्वार से प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंड द्वार प्रवेश। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है कि परागणु विज्ञान शब्द किसने दिया था। द टर्म ऑफ पॉलिनोलॉजी वाज गिवन बाई, ऑप्शन ए यहां पर है पी के नायर द्वारा, या फिर पी महेश्वरी, हाइड एंड विलियम्स के द्वारा, या फिर जे वुड हाउज के द्वारा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, हाइड योम विलियम्स के द्वारा परागणु विज्ञान शब्द दिया गया था। किसके द्वारा, हाइड योम विलियम्स के द्वारा परागणु शब्द दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिक्कण चोल का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया गढ़ा हुआ चोल, चिकनी चोल, ऑप्शन सी है कटेली चोल, या फिर गर्तित चोल। तो चिक्कण चोल का जो मतलब होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिकना चोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें है कि पुष्प एक व्यास सम्मित कहलाता है अगर यह, ए फ्लावर इज सेट टू बी जाइगो रिपिक इफ, ठीक है, पुष्प का एक व्यास सम्मित क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया है किसी भी ऊर्ध्वाधर तल द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, या ऑप्शन बी है कि केवल एक विशेष तल द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके, सी है कि किसी भी अरीय तल द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित ना किया जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो 65 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक विशेष तल द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके। एक पुष्प यानी कि पुष्प एक व्यास सम्मित जो कहलाता है, इसको हम अगर एक यानी केवल एक विशेष तल के द्वारा दो बराबर भागों में अगर हम विभाजित कर सकें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें दिया गया है कि किस कुल के सदस्य चतुर्दीर्घी दिशा दर्शाते हैं, ठीक है, इनमें से पूछा गया है कि किस कुल के सदस्य जो हैं वो चतुर्दीर्घी दिशा दर्शाते हैं। ओके, ऑप्शन ए दिया गया कंपोजिटी, या फिर क्रूसीफेरी, या दिया गया है पेल्पिनोसी, या डी दिया गया है मालवेसी, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी जो होते हैं वो चतुर्दीघी दशा दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लक्षण सूर्यमुखी का अंतःअस्थ त्वचा से संबंधित नहीं है। फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड टू इंडोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर स्टेम। ओके, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि यह वलकुटे की अंतिम परत है। ऑप्शन नंबर बी है कि यह ढोलाकार कोशिकाओं की एक अस्तारित परत है, या ऑप्शन सी है इसकी शाखाओं में बहुत ग्रंथिये होती है, यानी कि इट्स सेल कंटेन मैनी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोशिकाओं में अत्यधिक स्टार्च दाने होते हैं। तो क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनमें से दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड टू इंडोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर स्टीम। ऑप्शन ए है इट इज द लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ऑप्शन बी कह रहा है इट इज सिंगल लेयर्ड विथ वेरियल स्पेयर्ड सेल। ऑप्शन सी है इट्स सेल कंटेन मैनी ग्लैंड, और डी ऑप्शन कह रहा है कि इट सेल कंटेन ए लॉट ऑफ
सर्च ग्रेन। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया, जल्दी से बताइए आप सभी लोग इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईट्स सेल कंटेन मैनी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि इनमें से पूछा गया था कि फॉलोइंग करेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड इंडोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर स्टीम। तो यही है कि ये जो है ये इनकी जो कोशिकाओं में बहुत ग्रंथियां होती हैं, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। चलिए, 68 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें है कि तने के केंद्रीय भाग में खोखली मज्जा होती है। तने के केंद्रीय भाग में खोखली मज्जा होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है गेहूं में, मक्का में, सूरजमुखी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है तने के केंद्रीय भाग में जो खोखली मज्जा होती है वो गेहूं में होती है। कहां पर होती है? गेहूं में होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा ए वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच। ठीक है, मिस मैच यानी गलत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत मेल है। अब यहाँ पर लगभग चार प्रश्न आपके यहीं से तैयार होंगे। पहला प्रश्न देखिए, अब समझिएगा। पहला कह रहा है कि शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, नेगली ने 1858 में प्रस्तावित किया, क्या यह सत्य कथन है? चलिए सभी लोग बताएंगे क्या यह सत्य कथन है। तो भी बिल्कुल ये सत्य है। शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो नेगली के द्वारा 1858 में प्रस्तावित किया गया था, ये आपका सही मेल है। दूसरा देखते हैं, इसमें दिया गया है ऊतक जन सिद्धांत किसने दिया था? हिस्टीन ने दिया था। कब दिया था? 1870 में प्रस्तावित किया था। तो यह भी कथन आपका सत्य है, जो ऊतक जनक सिद्धांत है वो हिस्टीन ने 1870 में प्रस्तावित किया था, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है ट्यूनिका कापर सिद्धांत, हेंटीन ने 1950 में प्रस्तावित किया। तो ट्यूनिका कापर सिद्धांत हेंटीन ने नहीं प्रस्तावित किया था, सिम्ट में किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए अब डी देखते हैं। डी वाला है ट्यूनिका कापर सिद्धांत किसने दिया था? ट्यूनिका कापर सिद्धांत सिम्ट में दिया था 1924 में। कब दिया था? 1924 में प्रतिपादित किया था। ठीक, यही प्रश्न पूछा गया था ना। ठीक है, अब सही मेल आपको बताना था। तो हमने पहले में देखा कि जो शीर्षस्थ हैं, हमने पहले वाले में क्या देखा? पहले वाले ऑप्शन में देखा कि जो शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत था वो नेगली ने 1858 में प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया, ये पहला हो गया। दूसरा है ऊतक जन सिद्धांत, आपसे पूछे कि ऊतक जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, कब किया था? तो आप बताएंगे हेंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। और कब प्रस्तावित किया था? तो 1870 में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि ट्यूनिका कापर सिद्धांत, तो ट्यूनिका कापर सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो सिम्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिम्ट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1924 में प्रतिपादित किया गया था। ओके, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा, ये गलत मेल है। ठीक है, बाकी सही, ये सभी जो हैं ये सही सुमेल है। तो इनमें से तीन प्रश्न याद हो गया आपका, आपसे पूछे शीर्ष कोशिका सिद्धांत तो बताएंगे नेगली ने 1858 में प्रस्तावित किया, आपसे पूछा जाए ऊतक जन सिद्धांत तो बताएंगे हेंस्टीन ने 1870 में प्रस्तावित किया, अगर पूछा जाए ट्यूनिका कापर सिद्धांत तो आप बताएंगे कि सिम्ट ने 1924 में प्रतिपादित किया। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 कि फोलियम में जड़े हुई रेशे क्या कहलाती हैं। फोलियम में जो जड़े होती हैं, उन जड़ी हुई रेशे होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको सतह रेशा कहा जाता है, या फिर ब्रास्ट रेशा कहा जाता है, कठोर रेशा कहा जाता है, या कास्ट रेशा कहा जाता है। तो
तो फोलेम में जो जड़े हुए रेशे हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बास्ट रेशा। क्या कहा जाता है? बास्ट रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है कि द्विबीजपत्री तनों के संवाहन बंडल होते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टीम आर। पहला ऑप्शन है बंद संयुक्त योम एंडार्क होते हैं, बी ऑप्शन है बंद संयुक्त योम एजाकार्क होते हैं, खुले संयुक्त में अजाकार्क या खुले संयुक्त में एंडाकार्क होते हैं। तो सही उत्तर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये खुले संयुक्त योम एंडार्क होते हैं। द्विबीजपत्री तनों में जो संवहन बंडल होते हैं वो खुले होते हैं, संयुक्त योम एंडार्क होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, ओपन कॉन्जॉइंट एंड इंडार्क। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। 72 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल अनि सेक फलन द्वारा बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोडक्टेड बाई द पार्टेनो क्रॉप। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया कटहल, सेब, केला या फिर बैगन। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें केला। इनमें से केला जो है उसको हम कहते हैं अनिषेक फलन के द्वारा केला बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, जिसमें पूछा गया है कि आवृत बीजियों में एक कार्यात्मक जो गुरु बीजाणु विकसित होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको भ्रूण कोष में या भ्रूणपोष में विकसित होता है, या बीजंडांश में, या फिर भ्रूण में। तो आवृत बीजियों में एक कार्यात्मक जो बीज गुरु बीजाणु विकसित होता है वो हमेशा भ्रूण कोष में उपस्थित होता है, एम्बायरोसिस में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि माफ कीजिएगा, अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वारा जो लघु बीज मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण को क्या कहते हैं? अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका के जो लघु बीजाणु के निर्माण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है, या फिर अनिषेक जनन कहा जाता है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या आसंजनन कहते हैं यानी एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो इनमें से सही जो उत्तर आपका हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लघु बीजाणु जनन इसको कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से जो लघु बीजाणु के निर्माण को होता है उसको हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसमें दिया गया है कि पराग वैहरता है, पोलियन वेसिबिलिटी इज। ऑप्शन नंबर ए दिया गया अंकुरित होने की क्षमता, परपक होने की क्षमता, या फिर स्फुटन की क्षमता, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जीर्णता की क्षमता। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अंकुरित होने की क्षमता। पराग व्यवहार्यता को क्या कहते हैं? अंकुरित होने की क्षमता कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 MCQ प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ये प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 2022 सत्र में पूछे जा चुके हैं, और इस बार आप सबके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न रिपीट होंगे। चाहे आप DDU विश्वविद्यालय से हों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, या आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हों, या राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, MGPRE यूनिवर्सिटी से हों, या फिर आप आगरा विश्वविद्यालय से हों, MS यूनिवर्सिटी यानी माँ सुकामरा विश्वविद्यालय से हों आप, या फिर आपका बनारस विश्वविद्यालय हो, तो सब में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हों, तो यहाँ पर सब जगह पर MCQ पेपर होने हैं और सब के लिए ये लाभदायक रहेगा जहाँ भी MCQ पैटर्न पर एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो ढेर सारा प्यार इस वीडियो पर आप सब दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए,
जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा आज का पहला मॉडल पेपर था। इसी प्रकार से 10 मॉडल पेपर की सीरीज में आप लोग को देने वाला हूँ। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको हमारे इस वीडियो से ना मिले। सभी के प्रश्न जो भी एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको पेपर में, वो सारे के सारे प्रश्न हमारी वीडियो से ही मिलेंगे, हमारी क्लास से ही मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस करते रहना है। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और मैथ, इन सब के MCQ हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द आपको सभी क्लास मिलेगी और डेली रात 8 बजे आपके सेकेंड सेमेस्टर की क्लास संचालित की जाएगी। डेली आप सब लोग 8 बजे जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए। PDF अगर आप इसका चाहते हैं, ठीक है, PDF नोट्स अगर आप चाहते हैं MCQ की या फिर रिटर्न पैटर्न की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है SP Study Point चैनल फर्स्ट। आप सर्च करेंगे SP Study Point चैनल फर्स्ट लिखेंगे, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, जहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए SP Study Point का प्ले स्टोर से, ठीक है। वहाँ पर आपको लॉगिन करना है और आपको फ्री स्टडी मटेरियल पर जाएंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा MCQ के नोट्स, ठीक है, या MCQ की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर जारी की जा रही है, जहाँ पर आप टेस्ट दे पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, कितना आपका सही है कितना गलत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर दी जाएंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।